जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, 19 जनवरी शनिवार 4:41 हुआ है, शाम के 4:41। 19 जनवरी शनिवार, यानी कि अगर हम 4 तारीख से गिने तो आज 15 दिन हो गए 19 जनवरी को। 4 जनवरी से अगर हम काउंट करें तो 15 दिन हो गए दोस्तों 19 जनवरी। और हम कल फ्राइडे को क्या क्लोज किए हैं, 906 या 907। और मैं क्यों बोल रहा हूँ 4 जनवरी से, इसका कारण समझाता हूँ। 4 जनवरी से अगर हम गिने तो आज 15 दिन हो गए हैं 19 जनवरी। और कुछ मैं आपको पुरानी याद कराना चाहता हूँ, जो मैं वीडियो बनाया था वो आपको दिखाना चाहता हूँ 4 जनवरी का। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं 4 जनवरी को निफ्टी स्टॉक में क्या था। ये देखिए, ये चार्ट है, यहाँ आपको ऊपर दिखेगा डेट और ये सब जो है ना, ये ऊपर यहाँ दिखता है। तो मैं 4 जनवरी पे लाता हूँ कर्सर को, ठीक है। ये 4 जनवरी को देखिए आप लोग, एक सेकेंड, ये 4 जनवरी का आप देख लीजिए, निफ्टी ने हाई ओपनिंग किया था 700। कितना ओपनिंग कितना किया था, 700। ऊपर दिख रहा आपको 741 का हाई बना था, 629 का लो बना था, 727 का क्लोजिंग हुआ था 4 जनवरी को। और उस दिन मैंने वीडियो 3 तारीख को रात को जो बनाया था, पहले तो वो सुनाता हूँ कि मैंने क्या बोला उसमें 3 जनवरी को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए दे रहा हूँ अपडेट। हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत लोग भूल जाते हैं कि मैं क्या बोलता हूँ, तो उस पर आपको खाली सुना रहा हूँ कि आज 19 जनवरी है और उस दिन का लो आपको याद हो जाएगा 629। आप देख रहे हो ऊपर 629, वो देख लीजिए। उसके बाद कभी भी ये लो आया कि नहीं, ये आपको चेक करना है। देख लीजिए उसके बाद कि ये सारे कैंडल्स हैं, एक दिन भी 629 आया क्या देख लीजिए, या उससे नीचे आया क्या, पहले तो ये चेक कर लीजिए। नहीं आया 802 लो, 739 लो, 692 लो, 778, यानी कि एक भी दिन 692 नहीं आया 4 जनवरी के बाद, ठीक है। ये मैं आपको प्रूफ इसलिए कर रहा हूँ कि इसका कारण आप देखिए। अब 4 जनवरी का ये वीडियो देखिए आप, ये वीडियो है, इसमें देखिए हेडिंग क्या है, निफ्टी एस्ट्रो एंड टेक्निकल व्यू फॉर 4 जनवरी, यानी कि 3 जनवरी की रात को ये वीडियो डाला हुआ है, 3 जनवरी की रात को। और अब इसको सुनिए आप मैं क्या बोल रहा हूँ। ज्यादा बुलिश होता है बैंकिंग सेक्टर के लिए, या वो बेस्ट बाइंग डे होता है किसके लिए, ये सुनिए आप। तो ये हो गया टेक्निकल, अब आ जाते हैं एस्ट्रोलॉजी में। कल इसको आप ध्यान से सुनिए, तो कल क्या है, कल 4 तारीख है, क्या है तारीख 4 का अंक किसका होता है, राहु का। आज गुरु का अंक था, तो अगर मैं कॉम्बिनेशन मिलाऊं, मैंने बहुत बार देखा है जब भी गुरुवार और 3 नंबर का कॉम्बिनेशन होता है तो बहुत, या तो वो डे बहुत ज्यादा बुलिश होता है बैंकिंग सेक्टर के लिए, या वो बेस्ट बाइंग डे होता है किसके लिए, बैंकिंग स्टॉक्स के लिए। तो कल मुझे बहुत ज्यादा संभावना लग रही है, अब एस्ट्रोलॉजिकली बात कर रहा हूं, अब टेक्निकली बात नहीं कर रहा हूं, कल मुझे बहुत ज्यादा संभावना क्या लग रही है कि बैंकिंग स्टॉक कल जबरदस्त रैली करेंगे। कितनी बजे के बाद, 12:01 में बता दो, टाइम भी बता दो, 12:54 आफ्टरनून के बाद, सब रीजन बताऊंगा। मुझे क्या लग रहा है कल बैंकिंग स्टॉक, क्योंकि आज बृहस्पतिवार भी था और 3 का अंक भी था, यानी कि गुरु का अंक भी न्यूमरोलॉजी में 3 होता है, तो कॉम्बिनेशन सॉलिड था, यानी कि उसको आज इसने बेस्ट बैंक डे बना दिया। और 700 के नीचे एक इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे भी क्लोज भी दिया है, यानी कि डरा भी दिया हमको। कल एक और क्लोजिंग होती है, मैं क्या बोल रहा हूँ, 575 आएगा और फिर 480, अगर 575 को भी नहीं बचा पाए, ये सब स्पॉट के लेवल्स है, तो ये मुझे लग रहा है ऐसा होगा। और उसके अलावा आज जैसे जो गुरुवार और 3 था, तो जब ये बढ़ नहीं पाया, इसका मतलब आज इसने बोला कि आज बहुत जबरदस्त मौका है स्पेशली बैंकिंग स्टॉक बाय करने का, तो ये बैंकिंग का फायदा कब देगा, कल 12:54 पे, वो समझाऊंगा क्यों, ऐसा बोलो। आज ये चार बार नहीं समझा तो ऐसे तो रोज समझा दिया बहुत बार, आज सीधे नक्षत्र वगैरह का कहानी पा जाता,
ज्यादा टाइम वेस्ट करके कोई मतलब नहीं, कहानी बताओ सीधा क्या है एस्ट्रोलॉजी। मुझे आती है, आप सबको पता है, अब मुझे बताने की दरकार नहीं, मुझे आती है। तो देखिए 12:54 तक ये ज्येष्ठा नक्षत्र ही रहेगा, जो आज भी पूरे दिन था, ठीक है, कल 12:00 और 12:54 पे चंद्रमा कहाँ चला जाएगा, मूल नक्षत्र में। मूल, मूल मतलब क्या होता है दोस्तों, जड़, जड़, या फिर तुम बोल सकते हो इंग्लिश में रूट्स, रूट्स बोलते हैं इंग्लिश में मूल को। तो 12:54 ज्येष्ठा मतलब बड़ा भाई या बड़ी बहन, ज्येष्ठा नक्षत्र में ऑलरेडी है, तो बड़ा भाई तो हम लोग आशीर्वाद दे दिया भैया, गिरो गिरो गिरो। अब मूल नक्षत्र में क्या होता है, मूल मतलब रूट्स, रूट्स मतलब निफ्टी, उसके बाद 12:54 पे के बाद अपनी जड़ें तलाशेगा या अपना बेस बनाएगा नया, यानी कि लो जो बनेगा 12:54 तक बन जाना चाहिए या फिर उसके 1 घंटे में बन जाना चाहिए, यानी कि 1:54 तक तो लो बन ही जाएगा निफ्टी का, जड़ तलाश करेगा वो, एक बेस तलाश करेगा। अब इस बेस के नीचे मैं कई दिनों तक नहीं जाने वाला, कई दिनों तक, एक आध दिन, कई दिनों तक कल जो लोग सुनिएगा दोस्तों, अगर ये सही जा रही है मेरी एस्ट्रोलॉजी की स्टडी, तो कल जो 12:54 तक जो लोग बनेगा या फिर उसके 1 घंटे बाद जो भी लोग बनेगा 1 घंटे तक, यानी कि 1:54 तक, वो लोग एक तरह से बेस बन जाएगा निफ्टी का आने वाले कुछ दिनों के लिए, आने वाले 10 दिन का मान लो, ठीक है, 10 दिनों के लिए, 10 दिनों वो लोग नहीं टूटेगा, क्योंकि जड़े तलाश करेगा निफ्टी। मूल नक्षत्र क्या होता है, जड़, या फिर वो अपनी गलतियों को याद करता है। मूल नक्षत्र में क्या होता है, इंसान सपोज आप एक पोस्ट और आगे नहीं बढ़ रहे हो, तो आप जब मूल नक्षत्र में आपका चंद्रमा आता है आपकी कुंडली का, तब आप वो सब रियलाइज करते हैं, मैं ये सब गलतियां करता। अब इस बेस के नीचे मैं कई दिनों तक नहीं जाने वाला, कई दिनों तक, कई दिनों तक कल जो लोग बनेगा इसके, अगर ये सही जा रही है मेरी एस्ट्रोलॉजी की स्टडी, तो कल जो 12:54 तक जो लोग बनेगा या फिर उसके 1 घंटे बाद जो भी लोग बनेगा 1 घंटे तक, यानी कि 1:54 तक, वो लोग एक तरह से बेस बन जाएगा निफ्टी का आने वाले कुछ दिनों के लिए, आने वाले 10 दिन का मान लो, ठीक है, 10 दिनों के लिए वो लोग नहीं टूटेगा, क्योंकि जड़े तलाश करेगा निफ्टी। मूल नक्षत्र क्या होता है, जड़, या फिर वो अपनी गलतियों को याद करता है। मूल नक्षत्र में क्या होता है, इंसान सपोज आप एक पोस्ट में और आगे नहीं बढ़ रहे हो, तो आप जब मूल नक्षत्र में आपका चंद्रमा आता है आपकी कुंडली का, तब आप वो सब रियलाइज करते हो, मैं ये सब गलतियां करता हूँ जॉब में, इसीलिए मेरी प्रोग्रेस नहीं होती, तो मैं उस समय आप बहुत कुछ रिमाइंड करता हूँ अपने आप को, अकेला बैठ के सोचते हो मैं ये गलती कर रहा हूँ, आगे से मैं ऐसा डिसीजन लूंगा या ऐसे काम करूंगा ताकि मेरी प्रोग्रेस हो। तो ये जो जड़ बनाता है, बेस बनाता है, वो मूल नक्षत्र बनाता है। तो उसके बाद आता है पूर्वाषाढ़, पूर्वाषाढ़ा ये बिजनेस मुझे लॉस ही दे रहा है, मुझे तो ये काम ज्यादा अच्छा था। दोस्तों आप लोगों ने सुना कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कि 3 तारीख के वीडियो में, 3 तारीख को रात को 9:30 पे ये वीडियो बनाया गया, आप लोग देख सकते हो। ये काम सकते हो, उसका अनाउंसमेंट आप कब करते हो, जब चंद्रमा, उसमें मैंने क्या बोला है कि 4 तारीख को जो 12:54 या 1:54 के बीच में, 20 तक पहले तक जो भी लो बनेगा, वो अगले 10 दिन तक लो नहीं टूटेगा, ये मैं इसमें बोल रहा हूँ। और उस दिन का जो लो बना आप लोग देख लीजिए, ये 4 तारीख का लो क्या बना, 629, और आज हो गई 19 तारीख, या आज 19 तारीख, आज तक ये लो नहीं टूटा है, और आज हम कहाँ पहुँच गए, 900, कल कितना पहुँच गए, 928 तो हाई बनाया, और कल का क्लोजिंग हुआ 907, ये भी देख लीजिए। और उसके बाद आप 4 तारीख के बाद देख लीजिए, किसी भी दिन इस लो को टूटा गया 629 को, और ये वीडियो बनाया था मैं 3 तारीख को, तो 4 तारीख के बाद ये 5 तारीख का देखिए लो बना 750, 6 तारीख का लो बना 733, और 9 तारीख का लो बना 749, 10 तारीख का लो बना 802, 11 तारीख का लो बना 739, 14 तारीख का लो बना 692, 629 कभी भी नहीं टूटा ना आया, और उसके बाद 15 तारीख का लो बना 778, और 16 तारीख का लो बना 877, 17 तारीख का लो बना 845, और कल का लो बना 852। तो देख लीजिए, आपके सामने प्रमाण है,
कि 10 दिन से ज़्यादा ट्रेडिंग डे हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 दिन हो गए कल को लेके। और ये मैं बोल रहा हूँ आपको कि ये 629 जो लो उस दिन का 4 तारीख का, ये आप लोग के लिए अगर आप बुलिश हो या लॉन्ग हो पोजिशनल, तो ये 628 आपको का स्टॉप लॉस होना चाहिए एक्चुअल में। और मेरा टारगेट 11,000 के ऊपर है जो हमेशा रहेगा इस सीरीज़ में, ठीक है दोस्तों। तो ये मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूँ कि मैं क्या बोलता हूँ और होता कि नहीं, ये वीडियो है, वीडियो दिखा रहा हूँ आपको दोस्तों। तो इसमें मैं किसी का कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, खाली मैं अपना व्यू दे रहा हूँ। और अब ये एक और वीडियो देखिए, उसी दिन का 4 तारीख का 3 बजे का, क्या लिखा हुआ है इसमें, अपडेट्स एट, ये 4 तारीख का वीडियो है 3 बजे का, इसमें मैं क्या बोल रहा हूँ देखिए। जय जिनेंद्र, जय भोलानाथ। निफ्टी ने कर दिया कमाल, 729 स्पॉट चल रहे हैं। और बैंक निफ्टी तो आप लोगों ने देख ही लिया, मैंने कॉल दिया था वो भी देख लिया। कल शाम को क्या बोला था, कल रात वाले वीडियो में, कि जो भी लो बनेगा वो 1254 या 1154 मैक्सिमम तक लो बन जाएगा, वो अगले 10 दिन नहीं टूटेगा। फिर से वो वीडियो, इसलिए बोलता हूँ मेरी हर बात को सुना करो, जो भी लो बनेगा वो 1254 या 1154 तक फिर उसके बाद मंथन होगा, फिर वो अनाउंसमेंट करेगा, याद आया। और आज बैंक निफ्टी का भी दिया था आप लोगों ने देख लिया, और सुबह का गुड मॉर्निंग पोस्ट भी आपको दिया, और वो सारे जो क्या लिखा ना, बिग फॉल। तो दोस्तों आप लोगों ने सुना कि मैंने क्या बोला, कि 3 बजे ये भी दिखा दिया कि 1254 के बीच में ही लो बना और 629 का लो बना, और उस समय 3 बजे चल गया 728। उसके बाद उसके तरफ मुंह नहीं देखा इसने आज तक, और आज तक नहीं देखा, ये आपको अभी भी प्रमाण दिखा दिया। और अगर हम डेली चार्ट भी देखें, 12 4 तारीख वाला देखना चाहता हूँ मैं, इसमें दिखता कि नहीं, जो खाली 4 तारीख का चार्ट वन डे देखना चाहता हूँ, और डेली ओके। तो इसको अगर मैं डेट को, डेट इसमें 4 तारीख कैसे लाएगा, ये डेट का तो मुझे पता नहीं, ये तो 18 तारीख का ही दिखा रहा है। यह काम करते हैं पिछले 1 महीने का देखते हैं, 1 मंथ, तो उसमें आपको 4 तारीख का पूरा दिख जाएगा। ये 4 तारीख का चार्ट है, 4 तारीख का कैंडल, इसमें साफ दिख रहा है 629। तो ये कैंडल, उसके बाद ज़िंदगी में ये कैंडल के लो के आसपास नहीं आया, ये 4 तारीख का कैंडल है, देख लीजिए आप लोग, ऊपर दिख रहा है आपको 4 तारीख लिखा हुआ 700। उसके बाद देखिए ये लो के आसपास कहीं पे भी नहीं आया, ये लो बना उसके बाद हाईएस्ट। मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए, इसके ये 4 तारीख की लो था, ये वाला ये पॉइंट, और उसके बाद का जो लो बना है हाईएस्ट 692 बना, लेकिन 629 के नज़दीक भी नहीं आया। और आज 15 दिन हो गए, अगर डेट वाइज चले तो 15 दिन, और ट्रेडिंग डेज आज 11 दिन हो गए 4 तारीख के बाद। तो आज 907 पे खड़े हम, उस दिन 629 का लो बना, मैंने क्या बोला था, खरीद लेना 3 तारीख के वीडियो में, जो भी लो बनेगा आज का लो बन जाएगा 1254 तक। तो ये प्रूफ करना था, मैं कर दिया। और जय हिंद, जय जिनेंद्र, आई लव यू ऑल। और बस मेरे को अपना प्रूफ करना था कि मैंने क्या दिया था और क्या हुआ।